प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज हम डिटरमिनर्स का जो आगे पॉइंट हैं हमारे के पॉइंट से करेंगे। हम पजेसिव से शुरू करेंगे आज। पजेसिव प्रोनाउंस जैसे आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, पजेसिव्स आदि क्या है, हमारे डेटर्मिनर्स का एक पार्ट है। तो आज हम पजेसिव्स को करेंगे। तो इससे पहले, पजेसिव प्रोनाउन से पहले हम प्रोनाउंस क्या होते हैं उनको देखिए। प्रोनाउंस आई वी यू दे ही शी इट, ये क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन और बाकी हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो बच्चों, ये प्रोनाउन होते हैं हमारे, कभी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट की जगह पे हम ये प्रोनाउन रखते हैं, यानी कि ये क्या हुआ, हमारे सब्जेक्टिव केस हुई, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो ये है सब्जेक्टिव केस। और अब आई से माय, वी से अवर, यू से योर, दे से देयर, ही से हिज, सी से हर, इट से इट्स। तो ये क्या हुआ हमारे, ये हमारे हुए पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस। तो डिटरमिनर्स में हम पजेसिव प्रोनाउंस की स्टडी करेंगे। पजेसिव प्रोनाउन और आई माई मी वी आर अस, यू योर यू, दे देयर देम, ये क्या हुआ हमारे ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हुए। यानी कि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, प्रोनाउन की आपको जरूरत पड़ेगी, तो प्रोनाउन के स्थान पर आप इन सब्जेक्ट के इस ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। अभी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव। जैसे आपने कोई सेंटेंस बनाया, हमने सेंटेंस बनाया वी, यहां पे सेंटेंस एक बना लेते हैं, वी लव आवर कंट्री। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक से समझ जाएंगे प्रोनाउन के यूज को। सी गेव मी हर बुक, बुक सी गेव मी हर बुक्स। अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वी, लव वर्ब है और आवर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन मतलब किसी भी नाउन के ऊपर जो अधिकार दिखाएगा, पजेशन दिखाएगा उसके ऊपर, वो ऑन करेगा अपना, ये दिखाएगा कि मेरी ये चीज है। आई से मेरी, वी है तो कहेंगे हमारी चीज है, आवर, यू से योर, दे से देयर। ठीक है, तो इस तरीके से पजेसिव दिखाएंगे। वी लव आवर कंट्री, तो वी है ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, वी, और इसका पजेसिव केस क्या होगा, आवर।
और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया अस। तो जहां पे सब्जेक्टिव केस यूज होता है वहां पे सब्जेक्टिव ही केस यूज होते हैं। ये थोड़ी है कि हम आवर लिख देंगे, पजेसिव केस लिख देंगे, नहीं लिख सकते। आवर लव वी कंट्री तो सेंटेंस नहीं बना। तो ये क्या है कि जहां पे सेंटेंस बनता है वहां सब्जेक्टिव केस है जो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही यूज होता है, और जहां पे पजेसिव जो दिखाना है, पजेशन दिखाना है किसी नाउन से, तो वहां पे हम उसका पजेसिव केस यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार से सेइंग सेंटेंस देखिए, सी क्या है सब्जेक्टिव केस ये रहा। ये थोड़ी है कि इसकी जगह हम इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे, हर गेव मी हर बुक, ऐसे तो लिखा जाएगा। तो जहां पे सब्जेक्टिव केस है सी से रिलेटेड, जो गर्ल है फीमेल है, फीमेल के लिए हम सी का यूज करते हैं प्रोनाउन में, तो उसका सब्जेक्टिव केस की जगह यूज होगा, और ऑब्जेक्टिव केस की जगह यूज होगा, और जो पजेसिव केस है वो पजेसिव केस की जगह यूज होगा। सी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, हर बुक्स क्या ये नाउन के ऊपर क्या दिखाया गया अधिकार पजेशन, तो अब क्या हुआ हर पजेसिव केस। ठीक है, तो हम अब ये देखिए पजेसिव केस किससे पहले यूज हुआ है, बुक से पहले। बुक क्या है एक नाउन है, नाउन से पहले। तो डिटरमिनर्स कौन से वर्ड होते हैं, वो वर्ड जो नाउन से पहले यूज होते हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ और एग्जांपल्स। तो कहने की बात है ये हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउन के, ये हमारे पजेसिव जो किसी नाउन के ऊपर, नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, उसके ऊपर पजेशन दिखाएंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह पे ये फॉर्म रूप यूज होगा प्रोनाउन का। ठीक है, जैसे ये नहीं बोल सकता मैं आई गो टू स्कूल, बिल्कुल सिंपल सी बात, आई गो टू स्कूल, तो क्या करेंगे हम, ये बोल सकते हैं क्या इसमें ऑब्जेक्ट लगाएं, आई का ऑब्जेक्ट क्या मी, मी गो टू स्कूल, नहीं बना ना सेंटेंस। ठीक है, या फिर पजेसिव केस से बना के देखिए एक बार, आई गो टू माई स्कूल, तो क्या हुआ माई, माई पजेसिव केस है। अगर मैं इसकी जगह ऑब्जेक्टिव केस यूज करूं तो आई गो टू मी स्कूल, तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो कभी भी जो नाउन है, कोई भी नाउन है किसी सेंटेंस में, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग है, उससे पहले पजेसिव प्रोनाउन का ये रूप यूज होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये पजेसिव केस होता है, और ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, ये चीज का ध्यान रखें। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस में बनाता हूं जैसे ऑब्जेक्टिव केस पे। पजेसिव केस पे हमारे सेंटेंस है जैसे, देखिए कुछ सेंटेंस, वी लव आवर कंट्री, वी लव, जैसे यहां से सब्जेक्ट प्रोनाउन लव आवर कंट्री। सेकेंड सेंटेंस, सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, सी इज प्राउड, यू आर ऑफ प्राउड, एक सेकेंड। सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, तो पजेसिव हर, वी लव आवर कंट्री आवर पजेसिव, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो एल्डर्स क्या हुए नाउन में, नाउन से पहले पजेसिव केस। He takes care of his parents. तो ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पेरेंट्स क्या है नाउन, नाउन का पजेसिव प्रोनाउन। इसके आगे दे से बनाते हैं,
दे आर ट्रबल्ड विद देयर चिल्ड्रन। अभी आप घर पे हैं तो पेरेंट्स ऐसा महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। दे आर ट्रबल्ड विद देयर चिल्ड्रन, दे आर ट्रबल्ड विद देयर, ठीक है। विद थोड़ा सा यहाँ जगह कम पड़ गई, चलो विद देयर चिल्ड्रन। तो देयर क्या है, पजेसिव केस, किसका, नाउन का। तो डिटरमिनर्स हुए, डिटरमिनर्स वो वर्ड जो नाउन से ठीक पहले यूज होते हैं, नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, उनको बोलते हैं हम डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स में हमने आज किया पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस वन, एग्जाम्पल टू थ्री फोर फाइव, आप सेंटेंस बना लीजिए, जितने भी इट पे बनाइए माई पे बनाइए, आपके लिए मैंने छोड़ दी है, ठीक है। एक एक सेंटेंस बना के देखिए अभी। तो वी लव आवर कंट्री, कंट्री क्या हो गया, नाउन है और इसका पजेसिव केस। एल्डर्स नाउन हो गया, नाउन का पजेसिव केस। तो ये नहीं है आप इसमें जैसे प्रोनाउन को चेंज करेंगे सेंटेंस, वी लव आवर कंट्री, आई लव माई कंट्री, जैसा सब्जेक्ट है ऐसे इसका पजेसिव केस है। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, सी शुड रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, दे आर ट्रबल्ड विद देयर चिल्ड्रन, वी आर ट्रबल्ड विद, वी से देयर से आवर, वी आवर, तो ऐसे ये चीज को रिलेट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पजेसिव प्रोनाउन एंड हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको स्टडी करो, दो चार सेंटेंस खुद बनाए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स में आइदर, नाइदर, इच और एवरी, ठीक है। अब इनको हम स्टडी करेंगे। पहले आइदर का मीनिंग क्या होता है, आइदर, आइदर से उठाएंगे फर्स्ट नंबर पे, आइदर का क्या मीनिंग हुआ, आइदर का मीनिंग, इसके दो मीनिंग होते हैं, आइदर हैज टू मीनिंग्स, और दोनों मीनिंग्स पे हम सेंटेंस बनाएंगे। आइदर हैज टू मीनिंग्स, फर्स्ट मीनिंग क्या है इसका, फर्स्ट मीनिंग है, सोचिए फर्स्ट मीनिंग एनी ऑफ द टू, एनी ऑफ द टू, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, ये हमारा आइदर का मीनिंग। और दूसरा मीनिंग होता है आइदर का, द बोथ, यानी कि दोनों। क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। फर्स्ट, द लश ग्रीन ट्रीज वर ग्रोइंग on the both sides of oaks, on the both sides of the road, lush green trees, गहरे जो हरे रंग के पेड़ हैं वो सड़क के दोनों किनारों पर उगे हुए हैं। तो the lush green trees were growing on both sides of the रोड, ओ ऑन नीदर, दोस्त
सॉरी ये थोड़ा एग्जांपल यहाँ पे, इसका एग्जांपल था ये द बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मीनिंग चेंज हो गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ पे ले लेते हैं सेंटेंस को, ठीक है। द लस रोड, सड़क के दोनों किनारों पर गहरे पेड़, गहरे हरे रंग के पेड़, लस ग्रीन, बिल्कुल हरे हरे पेड़ है वो, उगे हुए थे। तो बोथ साइड्स ऑफ द रोड, बोथ साइड ऑफ, अब इसको फ्रेज को हम चेंज कर देते हैं, किससे, आइदर से, ई आई टी एच ई आर, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, इसको कैसे बोल लेंगे अब हम। द लस ग्रीन ट्रीज वर ग्रोइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ, किस जगह हम रिप्लेस कर देंगे, आइदर से, द लस ग्रीन ट्रीज वर ग्रोइंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी बोथ ऑफ को हमने आइदर साइड में, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया हमने बोथ को, बोथ को हटा देना है सिंपली, ठीक है, और बोथ को हटाते ही हमारा मीनिंग है वो बन जाता है। Either side, either side, sides में बोथ साइड्स होता है, either side है, either, neither, each, every, singular के लिए यूज करेंगे, लेकिन उसमें सेंस प्लूरल की आएगी, ये ध्यान रखेंगे, on either side of the road, ठीक है, on either sides भी होगी, ये चीज ध्यान रखें यहाँ पे, both sides होता है, both sides, और both को replace किसने किया है, either ने, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इस सेंस में वर्ड को यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस है, यू कैन सेंड, यू कैन सेंड मी होमवर्क डन by you, either through WhatsApp or mail, ठीक है, you can send me homework, homework HW लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, यू कैन सेंड होमवर्क डन बाई यू इधर थ्रू व्हाट्सएप और मेल टू मी, ऐसे भी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इधर का हम यूज करते हैं जो दोनों में से एक, जब कोई चीज है दो में से एक को चुनना आपने, ठीक है। और एग्जाम्पल, मेरे पास दो स्टोरी बुक्स हैं, टू स्टोरी बुक्स हैं, मैं आपको चॉइस दूंगा उसमें से, जैसे आपने पूछा सर हम ये बुक है ये पढ़ रहे हैं आपसे लेके, तो मैं क्या कहूंगा उसमें, जैसे मैंने आपको बोलना है कि एक बुक है, एक स्टोरी बुक ही आप ले सकते हैं, यू कैन रीड, यू कैन टेक, यू कैन रीड आइदर स्टोरी बुक, आइदर स्टोरी बुक, ठीक है, यू कैन टेक इधर स्टोरी बुक, ठीक है। अब और एग्जांपल, एक दो बुक से देख लीजिए आप अपने एग्जांपल, ठीक है, बुक से, यू कैन टेक इधर बस, आप कोई सी भी बस ले सकते हैं, बस स्टॉप पे आप गए वहां पे बस खड़ी है, दो हैं तो उनमें से चॉइस आपको दे देंगे, आपको बोला गया यू कैन टेक इधर बस। दूसरा बुक में एग्जांपल दिया गया, यू सॉरी इधर बुक कैन सर्व माई पर्पज इक्वली वेल, दोनों बुकों में से कोई भी एक किताब है वो मेरा जो पर्पस है वो पूरा कर देती है, तो ईदर बुक कैन सर्व माई पर्पस इक्वली वेल,
ठीक है। और इसी तरीके से बुक में बोथ के लिए एक दो एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ एक और फिर बुक से आपको बताएंगे द बोथ। तो एक तो हो गया द लस ग्रीन ट्रीज वर ग्रोइंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड या बोथ बोल दीजिए, ठीक है। ये बोथ ये यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस ये रखेंगे कि बोथ के साथ साइड्स होती हैं और आइदर के साइड सिंगुलर लगे, ये चीज नोटेबल है बेटा, हमेशा ये याद रखें इधर नीदर इच एवरी सिंगुलर सिंगुलर फॉर्म वहाँ पे, चाहे वो नाउन है या फिर वो वर्ब है, वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। तो इसके बाद जैसे एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से और दे रहा हूँ आपको, तो इसमें ह्यूज बिल्डिंग, ह्यूज बिल्डिंग्स BUILDINGS, ह्यूज बिल्डिंग्स वर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द पार्क, पार्क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें खड़ी हुई थी। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, स्टोन्स वर स्कैटर्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द, जैसे कि ऑन इधर साइड, बोथ को हमने किस में कर रहा है, इधर में चेंज कर, ऑन either side of the street on either side of the way, तो रास्ते के दोनों तरफ, स्ट्रीट के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ क्या पत्थर पड़े हुए थे, स्टोन्स वर स्कैटर, ठीक है। तो ये इधर है, इधर किस सेंस में यूज हुआ, दोनों बोथ, ठीक है। और यहां पे भी इधर किस सेंस में यूज हुआ, दोनों की सेंस में, और यहां पे इधर किस सेंस में यूज हुआ, दोनों में से कोई एक, एनी वन ऑफ द टू, और यहां पर भी इधर किस सेंस में यूज हुआ, आइदर वन ऑफ द टू, ठीक है। तो इधर के ये दो मीनिंग होते हैं, अब आए हम नीदर पे, ठीक है। नीदर इसका ठीक अपोजिट होता है, स्क्रीनशॉट ले लें, इससे पहले आप थोड़ा वीडियो पहले पॉज कर लें, ठीक है, और इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट जो हम करें। अब इसके बाद नीदर, नीदर यूज ऑफ नीदर, तो अपोजिट, अपोजिट टू इधर, इधर का क्या है, अपोजिट है मीनिंग में, तो इधर में मतलब न ये न वो, एक तो ये मीनिंग निकला, Neither of the two, none of the two, ठीक है। तो first meaning है इसका none of the two, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो जैसे example है, इसमें से मैं example दे रहा हूं आपको, वहां पे दो parties हैं election जीतने के लिए, election voting के लिए, है ना, तो दो parties हैं, उनका example जैसे एग्जाम्पल नीदर का, नीदर पार्टी कुड बी एबल टू विन द इलेक्शन, कुड बी एबल टू विन द इलेक्शन, कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाई, ठीक है। एक एग्जाम्पल नीदर पार्टी, दोनों पार्टी में से कोई नहीं, दोनों में से नीदर ऑफ द टू, दो हैं दोनों में से कोई नहीं,
ये इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं। सेकंड एग्जांपल, नीदर पार्टी कुड विन द इलेक्शन, नीदर, अब दो बच्चे बड़े नटखट हैं, ठीक है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस थी जूम ऐप पे, उस पर कोई सी में भी नहीं आए दोनों, मोहन और सोहन, कोई एनी टू। तो एग्जांपल, नीदर स्टूडेंट या नीदर बॉय, ठीक है, नीदर बॉय, नीदर बॉय अटेंडेड, यू वर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस, ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस ऑन जूम ऐप, ठीक है, आप आगे लिख लीजिए ऑन जूम ऐप, ठीक है। तो नीदर का मीन्स क्या हुआ, दोनों में से कोई नहीं, नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। और ये ध्यान रखें, पार्टी है, पार्टीज नहीं है, नीदर पार्टीज नहीं है, नीदर बॉयज नहीं है, क्योंकि ये रॉन्ग है, ये ध्यान रखेंगे इसका यूज करते हुए। अच्छा, इसके बाद हमारा आ गया, हम ये पार्ट ले लेते, ये हमारा हो गया सेकंड और थर्ड इच, और फिर उसके बाद एवरी करेंगे। इच का मीन्स क्या होता है, तो फर्स्ट हमारा है इच, फिर उसके बाद हम एवरी करेंगे। जब हम किसी के बारे में, जब हम किसी के बारे में वन बाय वन सेपरेटली बात करें, ठीक है, तब हम इच का यूज करते हैं। स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल नंबर में है तो ऐसे ही, जब लार्जर ग्रुप है हम सभी को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एज ए होल जब सभी को हम एड्रेस करते हैं, सभी को हम सभी से बात करते हैं, तो उसमें एवरी का यूज होता है। बट जब अगर यूनिट है जिसको हम सभी को जानते हैं एक एक करके, जैसे इच वन बाय वन, तो ऐसी सेंस, जैसे क्लास में हम हैं, तो एक क्लास होती है, एक स्कूल होता है, स्कूल में एवरी स्टूडेंट और क्लास में इच स्टूडेंट, इस तरीके से आप इस चीज़ को बेटर सेंस कर पाएंगे। तो जैसे एग्जांपल है, पहले मैं मीनिंग लेगा वन बाय वन, वन बाय वन, वेन वी talk about person, place or thing separately, जब उसके बारे में अलग अलग से बात की जाए, जैसे example, each student in the class.